काफी अच्छी तरह से पक चुकी है ग्रेवी के अंदर पक मछलियाँ। गैस ऑफ कर देंगे, ये बनके एकदम तैयार है। इसमें खुशबू के लिए ऐड कर लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। डिश आउट कर ली मसाला फिश फ्राई। ये देखिए कितनी ही देखने में खूबसूरत लग रही है और एकदम आसान सी रेसिपी है। इसमें आपको ज्यादा मसाले नहीं ले रहे हैं। एक बार आप जरूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी शास्त्री की नब्बे किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला फिश फ्राई। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg फिश। इसे अच्छी तरह से मैंने वॉश करके रखा, ये बनाने के लिए एकदम तैयार है। 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़े साइज की प्याज जिसको मैंने बारीक पीस लिया है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तड़के के लिए मैंने लिया है ये 1/2 छोटा चम्मच मेथी, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 से 3 तेज पत्ते, 3 से 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फिश को फ्राई कर लेंगे। ये मैंने हाई फ्लेम पे थोड़ा ज्यादा सा ऑयल ले लिया है। एक साइड से फ्राई हो चुकी है, दूसरी साइड से भी कर लेंगे इस तरह से। हर एक पीस को पलट लेंगे, हाई फ्लेम पर ही रखना है आपको। हम को भी चला लेंगे, ज़्यादा नहीं चलाना वरना मछली के पीसेस जो है वो टूट जाएंगे। बस हल्का सा, देखिए लाइट गोल्डन कलर आ गया है। थोड़ा सा और कर लेंगे, गैस ऑफ कर दिए, फिश एकदम तैयार है फ्राई होकर। अब इसे निकाल लेंगे। देखिए फिश फ्राई एकदम तैयार है। अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ये वही ऑयल है जो मैंने फिश फ्राई करी थी, बस हमें इतना ही रखना है कि ग्रेवी बन जाए इसके अंदर। इसमें ऐड कर लेंगे, ये ऑयल पहले से गर्म है। सबसे पहले ऐड कर लेंगे इसमें जीरा। जीरा ऐड कर लिया है। इसमें ऐड कर लेंगे मेथी और इसमें बाकी मसाले ऐड कर लेंगे, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची। जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। प्याज, प्याज का पेस्ट ऐड कर लिया इसमें। बाकी मसाले ऐड कर लेंगे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे जिससे मसाले जले नहीं। हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट की भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। तेज पत्ता भी ऐड कर लेंगे। देखिए काफी अच्छी भुनाई हो गई है और ये अच्छी तरह से आ गया मसाले के ऊपर। और इसमें 1 कप पानी करीब ऐड कर देंगे। ये ग्रेवी तैयार हो रही है मछलियों की। इसे हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, फिर 2 मिनट के लिए लो कर देंगे, क्योंकि बस हमें ये ग्रेवी उसकी तैयार करनी है। फिश हमारी पहले से तैयार है, उसको फ्राई कर लिया था तो काफ़ी सॉफ्ट पहले से हो चुकी है वो। बस 1 से 2 मिनट के लिए और करना है मसालों में अच्छी तरह से। इसे देखिए काफ़ी अच्छा उबाइल आ चुका है, एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इन सभी मसालों को।
अब ये लो फ्लेम कर दूंगी जिससे कि अच्छी तरह से मसाले पक जाए। आप चाहो तो इसको कवर भी कर सकते हैं। ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है, इसमें ऐड कर लेंगे फिश को। हल्के से चला लेना है आपको, ज्यादा नहीं चलाना क्योंकि काफी सॉफ्ट है फिश। से 2 मिनट के लिए और कवर कर देंगे। फुल कवर करके रखा है मैंने 2 मिनट के लिए, क्योंकि जो मसाला और फिश को मैंने ऐड करा है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए हर एक पीसेस में मसाला, इसलिए मैंने 2 मिनट के लिए कवर कर दिया। 2 मिनट के बाद में फिश एकदम तैयार हो जाएंगी। आइए चेक कर लेंगे 2 मिनट के बाद में। काफ़ी अच्छी तरह से पक चुकी हैं ग्रेवी के अंदर पक मछलियाँ। गैस ऑफ कर देंगे, ये बन के एकदम तैयार है। इसमें खुशबू के लिए ऐड कर लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस थोड़ा ही ऐड करना है, बस हल्का सा मिक्स कर लेंगे। ये बनके एकदम तैयार है। आइए अब इसकी कर लेंगे डिश आउट। डिश आउट कर ली मसाला फिश फ्राई। ये देखिए कितनी ही देखने में खूबसूरत लग रही है और एकदम आसान सी रेसिपी है। इसमें आपको ज्यादा मसाले नहीं ले रहे हैं। एक बार आप जरूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। ये देखिए कितना ही ऑयल, देखिए इसका कितना अच्छा है। ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ नब्बे किचन रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये डिश कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।